नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रॉ विथ रमन में। तो रोज़ की तरह चलिए फिर कुछ नया बनाते हैं। दोस्तों, मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी बस स्टॉप पर सीनरी बनाने के लिए, तो आज उसी सीनरी को हम बनाएंगे। सबसे पहले स्काई में हमने पानी लगा लिया है और उस पर मैं अल्ट्रामरीन ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास अल्ट्रामरीन ब्लू नहीं है, आप कोल्ड ब्लू यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ करने का मेथड सेम रहेगा जैसे मेरी हर सीनरी में होता है। तो पानी ज़्यादा रखें, कलर थोड़ा सा लगाएं। इसके बाद जो पीछे के बिल्डिंग्स हैं उनको मैंने जस्ट येलो कलर में हल्का सा ब्राउन मिक्स करके किया है ताकि एक अलग शेड रहे। आप उसको चाहें तो आप डार्क ब्लू पर भी कर सकते हो, बट अलग शेड अगर आप देना चाहो बिल्डिंग के कलर तो कुछ भी हो सकती है, तो आप हल्का येलो स्टोन पर आप उसे रख सकते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, राइट साइड को थोड़ा वाइट रखने का कोशिश करें, थोड़ा सा लेयर रखें तो अच्छा रहेगा। अभी मैं ट्री को ग्रीन के साथ कर रहा हूँ और इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि ये सब वेट ऑन वेट पर है। तो ग्रीन, डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन करने के लिए आपको ग्रीन के साथ सैप ग्रीन के साथ ब्लू मिक्स करना है और ऐसे करते वेट ऑन वेट पर आप करें और सूखने ना दें कलर को। आपको ये ध्यान रखना है कि कलर सूख ना पाए। तो हम अपना जो भी सीनरी है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ट्यूटोरियल जल्द से जल्द मिलते रहे। अभी ये जो बस स्टॉप है या बस स्टैंड जो भी आप बोल लो, इसके जो शेड है उसको मैंने जो कलर किया है उसमें ब्लू और ब्राउन। एक चीज़ याद रखिएगा कि ब्लू एंड ब्राउन जब मैं बोलता हूँ, आपको जो कलर की वेरिएशन आएगी, ब्लू कितना लेना है ब्राउन कितना लेना है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब ब्लू ज़्यादा लोगे ब्लैकिश होगा, कम लोगे रेडिश आएगा, ब्राउनिश ज़्यादा डार्क होगा। अभी ये जो बस का कलर है इसमें मैंने डायरेक्ट अल्ट्रामरीन ब्लू यूज़ किया है। आप कोल्ड ब्लू भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि अल्ट्रामरीन ब्लू जनरली जो कैमल के सेट जो इंडिया में मिलते हैं वो उसमें नहीं रहता है, तो आप कोल्ड ब्लू वहाँ से यूज़ कर लो। प्रूशियन ब्लू मत यूज़ करना क्योंकि वो थोड़ा डार्क होता है। तो ये ब्लू कलर, ये जो मैं बस यूज़ कर रहा हूँ, इस बस में जनरली जो कलर है ब्लू एंड वाइट का सेड है, तो मैं ब्लू के लिए अल्ट्रामरीन ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने देखा है मेरे ट्यूटोरियल्स में बहुत सारे लोग आते हैं और उसे एक मिनट दो मिनट देखते हैं और चले जाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको सीखना है तो आप उसे पूरा देखें, और अन्यथा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। मैं जो भी सीनरी बनाता हूँ उसे सिखाने के लिए बनाता हूँ। अभी ये जो हेयर का कलर है इसमें मैंने ब्राउन ज़्यादा लिया है, ब्लू कम लिया है, और थोड़ा सा आप डार्क के लिए ब्लू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, बट आप ज़्यादा ब्लू लोगे तो ब्लू स्टोन हो जाएगा। आपको ब्राउनी स्टोन रखना है, इसमें ब्राउन रखो ज़्यादा और ब्लू अभी थोड़ा सा कम रखो आप। और ये जो भी हेयर का कलर है, इसके बाद मैं जो ड्रेस के कलर में आ रहा हूँ, आपको याद रखिए कि जब भी आप सीनरी बनाते हो इस तरह की, तो ये जो मैं वर्मिलियन रेड कर रहा हूँ इसमें आपको फर्स्ट जो फिगर्स रहते हैं, फिगर के ड्राइंग रहते हैं, उनको आपको डिटेल करना है और पीछे के फिगर्स को आपको जस्ट एक हल्का कलर से आपको समझा देना है कि पीछे और भी लोग खड़े हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको नहीं करनी है। इनफैक्ट सामने भी जो लोग हैं उनकी आँख नाक या आपको उतने डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो मैं सीनरी बनाता हूँ ये कंपटीशन के लिए है, आपके स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए है। तो आपको ऐसा करना होगा कि आप टाइम के अंदर में, जो आपको एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम है उसमें इसको फिनिश कर सकें। अभी ये जो क्लॉथ में आ रहा हूँ मैं, ये जो सामने का लड़का है इसको मैंने येलो कलर दिया। क्यों? क्योंकि येलो कलर और उसके पीछे की जो लेडी हैं उनको हमने वर्मिलियन रेड दिया, तो थोड़ा सा कलर वेरिएशन रहता है तो देखने में अच्छा लगता है। नीचे का पैंट का कलर लेडीज़ का जो था वो मैंने ब्लू किया है, और लड़के का जो मैं है उसमें हल्का सा मैं ब्लू एंड ब्राउन का मिक्स ले रहा हूँ। अभी ये देखिए, येलो कलर अगर आपके पैंट के कलर में आ जा रहा है तो आने दीजिए। मैं जैसा बोलता हूँ कभी भी डरे ना, वाटर कलर में आपको अपने अंदर से ये डर निकाल देना होगा, तभी आप वाटर कलर कर सकेंगे। कोई भी कलर कहीं भी जाकर मिक्स हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो उसको आराम से। ये जो बॉडी कलर है इसमें येलो के साथ आप हल्का सा वर्मिलियन रेड मिक्स करें तो आपको बॉडी कलर मिल जाएगी। अब आपको ज़्यादा रेड रखना है, रेडिश टोन रखना है बॉडी में, तो आप ज़्यादा वर्मिलियन रखो, हल्का सा रखना है तो कम आप रखो। और ये जो भी पैंट का कलर है उसमें इस पूरे सीनरी में आपको ब्राउन एंड ब्लू इनका मिश्रण ही रखना है। और शू के लिए भी आपको जो जूते का कलर है उसके लिए भी आपको ब्राउन एंड ब्लू का मिक्सर रखना है ताकि वो थोड़ा डार्क रखे। और ये पूरा जो सीनरी है इसमें आपको थोड़ा लाइटनेस रखना होगा क्योंकि ये दिन की सीनरी है तो धूप खिली हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा डार्क आप ना करें। और हर जगह कोई एक पार्टिकुलर कलर लेकर उसको फिल करने की कोशिश ना करें। देखिए, मैंने हर जगह एक मिश्रण रखा है कलर का, मिक्स कर रहा हूँ मैं कलर को, तो वाटर कलर की खूबसूरती ही उसको मिक्सिंग में है।
अभी ये जो नीचे का जो मैं शेड का जो ज़मीन है उसमें मैंने पीछे की ओर हल्का सा रेड के साथ मिक्स करके येलो को पहले किया और उसके बाद फिर मैं उसमें ब्लू मिक्स कर दिया, तो थोड़ा कलर वेरिएशन रहेगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दूर की जो चीज़ें होंगी उनको आप थोड़ा लाइट रखने की कोशिश करें और नज़दीक की चीज़ों को डार्क रखने की कोशिश करें। दोस्तों मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब सीनरी देखें तो पूरा देखें, तभी आपको फ़ायदा होगा। और ये ट्यूटोरियल हार्डली आपको 10 से 15 मिनट की होती है, तो आप जब सीखने जाते हो तो आप तो एक घंटा दो घंटा तीन घंटा देते हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, पूरा देखें अच्छा से सीखें। अभी ये जो मैं रोड का कलर कर रहा हूँ इसमें भी वही चीज़ है, इसमें मैंने ब्लू ज़्यादा लिया है थोड़ा सा ब्लू स्टोन रखने के लिए रोड को, और उसमें हल्का सा ब्राउन एंड ब्लू, ब्राउन के जगह आप इंडियन रेड ले सकते हो, कहीं के पास भर्मिनल रेड का भी मिश्रण कर सकते हो। तो अभी मेरे पास इंडियन रेड है, अगर आपके पास इंडियन रेड नहीं है आप ब्राउन जो बर्न्ट साइना कलर है वो यूज़ कर सकते हो। बस के ठीक नीचे हमने शैडो के लिए सेम कलर में ब्लू को और ज़्यादा मिक्स किया है ताकि शैडो आ जाए। अब ये बस का जो आपको कांच है, जो ग्लासेज हैं, इस तरह की जो बसेज होती हैं, तो उनको आपको डार्क शेड में ही रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखें, ये जब आप बस ट्रेन ये सब बना रहे हैं तो बस में जो पूरा आजकल जो नया बस आते हैं वो पूरा कांच से ढके रहते हैं, तो पूरा उसके अंदर का एक एक आदमी दिखाने ना चाहें। कांच के लिए आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि बीच में एक हल्का सा व्हाइट लाइन अगर आप छोड़ दोगे तो कांच का इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी बातों को आपको जानने के लिए इस पूरे ट्यूटोरियल को देखना होगा। जो लोग शुरू में देखते हैं और फिर निकल जाते हैं तो उनको ये नहीं पता है भाई कांच का सेट करने के लिए क्या करना पड़ा। एक हल्का सा व्हाइट लाइन रखिए और देखिए वो कांच का लगेगा कि वहाँ पर ग्लास है, ठीक है। तो अब ये जो बस स्टैंड का जो भी शेड है मैं उसको धीरे धीरे लाइनिंग के साथ आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। मैं हर एक चीज़ आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि आप विजुअली जब देख रहे हो तो आपको हर चीज़ का एक आइडिया आ जाएगा कि भाई ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। इसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए कि ये पार्टिकुलर चीज़ कैसे बना है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और उसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं और मैं उसे नोट रखूँगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसे ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जनरली एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ तो मैं बिज़ी रहता हूँ, तो हो सकता है कि मैं आपको फ्रिक्वेंटली ट्यूटोरियल्स ना दे पाऊँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है आपके लिए मैं ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप कुछ सीख सको। अभी ये जो बस के अंदर का जो कलर था जो मुझे ज़्यादा डार्क रखना था उसमें मैंने ब्राउन और ब्लू को इक्वल रखा तो वो ज़्यादा डार्क आया, आपको ये ध्यान देना होगा। अभी जो नीचे का है उसमें आप एक हल्का सा लाइनिंग मैंने टान दिया ताकि एक शेड आए, एक पैटर्न आए, तो देखने में फ्लैट नहीं लगेगा। ट्री का जो आप ब्रांचेस का कलर है उसमें ब्राउन एंड ब्लू, ब्राउन ज़्यादा रहेगा ब्लू कम रहेगा। और आप हमेशा ड्राई ब्रश चलाने से अवॉइड करें, जब भी आप चलाएं ड्राई ब्रश ना चलाएं, हमेशा कलर की मात्रा पूरी होनी चाहिए और वाटर भी उतनी ही होनी चाहिए, तब वो निखर कर आपका पूरा सीनरी में आएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान दें। और किसी भी जगह पे फर्स्ट कोड सेकेंड कोड थर्ड कोड इसका आप ध्यान रखें, जैसे मैंने अभी बिल्डिंग में किया फर्स्ट कोड मेरा दिख रहा है, उसके बाद आप विंडो के लिए हल्का हल्का कलर कर दें, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने ना जाए। बस का ऊपर का जो कलर है अभी मैं जहाँ नंबरिंग है वहाँ भी मैं हल्का सा जस्ट, मैंने आपको ये नहीं पता चलेगा ये क्या नंबर है, मैं जैसे हल्का सा वहाँ ब्रश चलाऊँगा और आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ कुछ नंबर्स है, तो आप उस डिटेल में ना जाएं कि एक एक नंबर आपको करना है क्योंकि आपको टाइम पर फिनिश करना है। आपको मैं ये बता दूं कि ये सिंधी मेरा फोर्थ टाइम फास्ट किया हुआ है, फोर्थ टाइम फास्ट किया हुआ कि अगर ये आपकी सिंधी 15 मिनट की है तो आप समझ लो कि आप एक घंटे में आराम से इसको कलर कर सकते हो, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पूरे सिंधी को करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। तो अगर मैं एक घंटे में इसको कर सकता हूँ और आप हाफ एन आवर अगर रख लो आप पेंसिल ड्राॅइंग के लिए तो आप आराम से डेढ़ घंटे में इसे कंप्लीट कर सकते हो, और जनरली आपको कंपटीशन में डेढ़ से दो घंटे तो मिलते ही हैं। अब जो बस के अंदर का जो भी पार्ट है उसे मैं धीरे धीरे डार्क कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको फिर बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पर ना जाएं, थोड़ा वास लेवल पर रख के ब्रश को और वाटर को रख करके आप उसको फिनिश करें। एक एक पैटर्न या एक एक आप अगर डिटेल करने लगोगे तो पहली बात तो आप उसको टाइम पर फिनिश नहीं कर पाओगे और दूसरा वाटर कलर की खूबसूरती उस तरह से चली जाएगी। आपको थोड़ा बस ऐसे रखना है कि वो समझ में आए। अभी देखिए ये जो पैंट का कलर है मैं डार्क कर रहा हूँ, मैं पूरे पैंट में वो कलर नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ साइड में मुझे लग रहा है कि अच्छा इधर डार्क करना है उधर मैं डार्क करूँगा, क्योंकि मैं लेफ्ट से चाहता हूँ कि इधर से सन की रे आ रही है तो आपको एक शैडो करना होगा नीचे में, तो वो ध्यान रखते हुए आपको राइट साइड में मैंने डार्क किया है और लेफ्ट साइड को मैं लाइट रख रहा हूँ। तो ये करते हुए मैं जो भी फिगर है उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे जहाँ वर्मिलियन रेड है उसको ये क्लॉथ को करने के लिए आपको हल्का सा उसमें
रेड कलर मिक्स करना होगा, क्रिम्सन आप मिक्स कर सकते हो, और हल्का सा ब्राउन भी आप चाहो तो मिक्स कर सकते हो। पीछे के जो आपके फिगर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आप ना जाएं, उनको आपको हल्का सा जस्ट ऐसा कर देना होगा कि उतना से ही वो पता चले। और बस के अंदर का जो है आपको ड्राइवर को दिखाना है, और सारी चीज़ों को आप मैक्सिमम चीज़ों को डार्क रखें ताकि बस के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग से आप बचें। आप देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मैं नहीं करूँगा बस के अंदर, बट फिर भी वो बस फिनिश लगेगा। अभी ये जो क्लॉथ है इसमें आप किसी भी तरह का पैटर्न बना सकते हैं, मुझे इस तरह का पैटर्न पसंद है तो मैं इस तरह का बना रहा हूँ, या मैं जो रेफरेंस लेकर मैं कर रहा हूँ, मैंने जो देखा है उसमें इस तरह का कुछ कलर होगा तो मैं उस तरह का कलर जा रहा हूँ। रेफरेंस जब मैं बात करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि हूबहू यही रेफरेंस होगा, कुछ चीज़ें कहीं से देखी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें कहीं से, तो आप अपने रेफरेंसेज को हर जगह से कलेक्ट कर सकते हैं, आपको जहाँ से जो रेफरेंस पसंद आए आप ले सकते हो। तो दोस्तों मैं फिर बोलता हूँ कि ये कंपटीशन लेवल का सीनरी है, तो आप इसे कंपटीशन के पर्पस से ही माइंड में रखकर बनाएं। और अगर आप कंपटीशन में जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि एक बार आप प्रैक्टिस करके कभी ना जाएं, कम से कम आपको इस सीनरी को 5 से 6 बार बनानी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर आप कंपटीशन में सक्सेसफुली इसको कर पाएंगे। तो आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये सीनरी कैसा लगा है, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर अगली सीनरी को देखना चाहेंगे, और मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर बनाकर दिखाऊंगा। और मैं एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि किसी और बंदे को ज़रूरत है, उसकी कंपटीशन है कल, आपको मान लीजिए आपके स्कूल में किसी फ्रेंड ने बोला कि अरे मेरी ड्राइंग कंपटीशन है, तो आप उनको ये चैनल शेयर कर सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पर आप जाओगे तो आपको कंपटीशन रिलेटेड या जिस तरह का भी आपके स्कूल में प्रोजेक्ट रिलेटेड आपको सीनरी मिल जाएगी, तो औरों को भी फ़ायदा होगा और साथ ही साथ आप तो इसकी फ़ायदा ले ही रहे हो। तो अभी जो भी मेरा डार्क कलर है, स्किन का कलर है, उसमें हल्का सा मैंने ब्राउन मिक्स किया है तो स्किन को डार्क कर दिया है। और बहुत डिटेल, मैं फिर बोलता हूँ, आँख नाक उतनी डिटेलिंग पर कभी ना जाएं। जितने भी बड़े आप देखोगे आर्टिस्ट हो, मैं कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स नहीं करते हैं उस तरह से। और ये आपको राइट साइड में मैंने शेडो कर दिया है ताकि आपको एक पता चले कि हाँ ये धूप की सीनरी है, इसलिए मैं सब कुछ लाइट कर रहा हूँ, और ऊपर का जो शेड है उसको लाइनिंग के थ्रू हम बताना चाह रहे हैं। पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना होगा आपको कि किस एंगल में मैंने वो लाइनिंग टाना है ताकि वो लग रहा है कि वो बस स्टैंड का जो शेड है वो दूर तक गया हुआ है, ये ध्यान रखें। अब जो ग्रीन कलर है उसमें डार्क करने के लिए आपको मैं जैसा हमेशा पहले भी बताता हूँ कि सैप ग्रीन के साथ आपको ब्लू मिक्स करना है। तो हमारा ट्री का भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है, और ये सीनरी ऑलमोस्ट मेरे एंड से अब कम्प्लीट हो चली है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सीनरी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि सब इसका हेल्प ले सकें। नेक्स्ट सीनरी में आपसे फिर मैं मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ, और आप सजेशन ज़रूर दें कि भाई वो टॉपिक क्या होना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि मार्केट में क्या टॉपिक की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो अगले सीनरी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है वाटर कलर के लिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी सीनरी उतनी अच्छी बनेगी। बाय।